नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, राजधानी में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिसकर्मियों ने युवक से मारपीट की, चेकिंग के दौरान बीच सड़क पर मारपीट की। पुलिसकर्मी महेश ध्रुवे और अन्य ने मारपीट की है 10 नंबर मार्केट के पास की ये घटना, आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं। राजधानी में पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। पुलिसकर्मियों ने युवक से मारपीट की है, चेकिंग के दौरान बीच सड़क पर मारपीट की गई। पुलिसकर्मी महेश ध्रुवे और जवानों ने ये मारपीट की है 10 नंबर मार्केट के पास की घटना, आपको बता रहे हैं। रतलाम से बड़ी खबर है, बार में बदमाशों ने चाकू मारा, बार के कर्मचारी को चाकू मारा है। गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर हंगामा किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घायल कर्मचारी को भर्ती कराया गया है स्टेशन और थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। बार में बदमाश ने चाकू मारा, बार के कर्मचारी को चाकू मारा है बदमाशों ने। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बदमाशों द्वारा गाने की फरमाइश की गई थी, गाना नहीं बजाने पर बार के कर्मचारी को चाकू मारा गया। इन बदमाशों द्वारा गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर ये हंगामा किया गया, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। घायल कर्मचारी को भर्ती करा दिया गया है, साथ ही साथ स्टेशन और थाना पुलिस जांच में जुटी है। छिंदवाड़ा में नाराज पत्नी के बीच सड़क पर पति की जमकर पिटाई करती, पिटाई भी ऐसी कि पति गिड़गिड़ाता रहा, पत्नी बीच सड़क पर पति को बेल्ट से पीटती रहे। पति की पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है, लेकिन वो महिला को रोकने की कोशिश नहीं करता, तो वहीं भीड़ भी तमाशबीन बनकर पिटाई का नजारा देखती नजर आ रही है। श्योपुर से बड़ी खबर है, कूनो में चीतों के लिए जगह अब कम पड़ रही है। मादा चीता आशा शिवपुरी पहुंची, माधव नेशनल पार्क के बाहर आशा निकली है। बता दें आपको, शिवपुरी वन रेंज में आशा की लोकेशन मिली है, वन विभाग की टीम ट्रैक कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको श्योपुर से बता रहे हैं, कूनो में चीतों के लिए जगह कम पड़ी है। अब मादा चीता आशा शिवपुरी पहुंची, माधव नेशनल पार्क के बाहर आशा निकली है। शिवपुरी वन रेंज में आशा की लोकेशन मिली है, वन विभाग की टीम अब ट्रैक कर रही है। कूनों में चीतों के लिए जगह कम पड़ रही है, बता दें आपको, अब मादा चीता आशा शिवपुरी पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, माधव नेशनल पार्क के बाहर आशा निकली है, शिवपुरी वन रेंज में आशा की लोकेशन मिली है, ट्रैक किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कूनो में चीतों के लिए जगह कम पड़ रही है तो पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि परेशानी हो रही थी और इस पर विचार भी किया जा रहा था कहीं ना कहीं वन विभाग की ओर से भी। अब तस्वीरें सामने आई हैं, आशा शिवपुरी पहुंची है माधव नेशनल पार्क के बाहर। बिल्कुल, ये लगातार ये चीजें सामने आ रही है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में कहीं ना कहीं जगह की कमी है। और पिछले दिनों जो पीसीसीएफ जेएस चौहान का पत्र वायरल हुआ था, उसके बाद तो ये स्थिति स्पष्ट ही हो गई थी कि कूनो में इतने चीतों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। पहले पवन नाम का जो नर चीता था वो कूनो नेशनल पार्क से रिहायशी इलाकों में घूमने के बाद माधव नेशनल पार्क शिवपुरी तक पहुंच गया था, जिसे टैंकुलाइज करके वापस लाया गया। इसके बाद वो दोबारा से पहुंच गया और अब उसे बड़े बाड़े में बंद करके रखा गया है। अब लगातार आशा जो चीता है, धोरट सरकार के जंगल की बात हो चाहे बौरी बैराड़ होते हुए शिवपुरी, माधव नेशनल पार्क के बाहर के जंगल में अब मौजूद है उसकी करंट लोकेशन। वन विभाग की टीम उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है,
तो कहीं ना कहीं कूनो में जगह की कमी है, इस वजह से लगातार चीते दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी महज 7 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है, बाकी के चीतों को छोड़े जाने के बाद स्थिति और भी इस तरह की तस्वीरें आएंगी, इस तरह की जो चीते हैं उनका मूवमेंट है दूसरे इलाकों में देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जगह की कमी है और इसके लिए दूसरे विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश के गांधी सागर सहित दूसरे पार्कों को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरी जगह पर भी चीतों को रखा जाएगा, इस तरह की तैयारी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। दमोह से बड़ी खबर है, हिजाब मामले में स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी है। पोस्टर से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफी, छात्राएं स्कार्फ या दुपट्टा स्वेच्छा के अनुसार पहन सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब मामले में स्कूल प्रबंधन द्वारा माफी जो है आई है, माफीनामा आया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिजाब मामले में कई सारी बातें कही गई हैं, स्कूल प्रबंधन ने माफी भी मांगी है, साथ ही साथ आपको बताएं पोस्टर से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उसको उससे माफी मांगने की बात प्रोफेसर द्वारा कही गई। स्थापना जो है सन 2010 में की गई थी और हमारा उद्देश्य जो है बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का है। इस साल हमारे बच्चों ने जो है 10th क्लास बोर्ड में जो है काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उनका एक फ्लैक्स बना के बच्चों को बधाई देने के लिए बाहर उसको लगाया गया। उस बोर्ड के ऊपर से फ्लैक्स पे कुछ लोगों को आपत्ति है, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारी सोसाइटी ने जो है एक रेजुलेशन पास किया है कि इसमें अब स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी जो है स्वेच्छापूर्वक जो बच्चे चाहते हैं दुपट्टा पहने या स्कार्फ जो भी लगाना चाहेंगे। इस ड्रेस कोड को क्या तुम्हें मंजूरी मिली थी? देखिए ड्रेस कोड जो है स्कूल का मैटर होता है, ड्रेस कोड स्कूल तय करता है, तो आपने सूचना तो दी होगी। सूचना हमारी जो सोसाइटी ने बनाया था ड्रेस कोड स्थापना। और हिजाब मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें, सीएम के सख्त तेवर के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। दमोह कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई की, गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन को ने हिजाब बंधन हटाया है। लब पे आती है दुआ, गीत भी नहीं गाए जाएंगे, स्कूल की प्रार्थना में राष्ट्रगान गाया जाएगा। सीएम ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जो संस्था है उसने अपना अपना कमेटी द्वारा, उनकी अपनी कमेटी द्वारा, संचालक समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बच्चे जो 2012 से स्कार्फ बांध के जा रहे थे वो ड्रेस कोड का पार्ट नहीं रहेगा और बच्चे इस मामले में स्वतंत्र रहेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग अब दिन में सिर्फ जनगणमन ही होगा। गठित कमेटी जो है जांच की, वो अभी जांच करेगी कि जांच पूरी करेगी, और जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच अभी चालू हुई है और जांच में जो भी बिंदु आते हैं और ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई उसमें कार्रवाई भी होगी अगर कोई मुद्दे सामने आए। भोपाल से बड़ी खबर है, 21 क्विंटल नकली मावा को जमींदोज किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने जमीन में दफनाया, ग्वालियर से भोपाल लाया गया था नकली मावा, खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया है। 21 क्विंटल नकली मावे को जमींदोज किया गया है, खाद्य विभाग की टीम ने जमीन में दफन किया है मावा। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नकली मावे की खबर है और पूरे मावे को दफन किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल में जिस तरह से नकली मावा ग्वालियर से बड़े पैमाने पर भेजा जा रहा था, 21 क्विंटल मावा यह ग्वालियर से पिछले सप्ताह आया गया था, जिसे जब खाद्य विभाग ने जब्त किया, उसकी जांच की तो पूरा मावा नकली निकला। उसको नष्ट करना ही एकमात्र उपाय था, इसलिए 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया जेसीबी की मदद से, और ये जो 21 क्विंटल मावा है जो मिलावटखोरों ने भोपाल में भेजा था। तो कह सकते हैं कि अब जो मिठाइयां होती हैं वो पूरी तरह से अशुद्ध नहीं होती हैं, तो लोग जब भी जाए मिठाई की दुकान पर तो चेक करें कि आखिरकार ये किस मावे से बनी हो रही थी। तहत आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नकली मावा 21 क्विंटल मावा है ये, जिसे अब जमीन में दफन किया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। खिलाफ कार्रवाई की गई है, खाद्य विभाग की टीम ने जमीन में गाड़ा है मावा, ग्वालियर से भोपाल लाया गया था ये नकली मावा, खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया था।
जो देखो माँ बाप ही गिरी है। दिल्ली से बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेल सकती है मास्टर स्ट्रोक, देश में लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून, एक और संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही है मोदी सरकार, देशव्यापी कानून बनाने में मददगार बनेगा उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट, नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन पहुंचे हैं उत्तराखंड सदन, यूसीसी कमेटी के साथ कॉमन सिविल कोर्ट पर मंथन होगा, यूसीसी के ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में 30 जून को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी, अहम बिंदुओं को नेशनल लॉ चेयरमैन से साझा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, चुनाव में वक्त है पर चुनाव की तैयारियां अभी से ही चल रही हैं और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में बीजेपी अब है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने सीएए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक को लेकर फैसला किया है, उसके बाद अब एक कदम और बढ़ाने जा रही है और ये संकल्प है उसका कि नागरिक संहिता को लागू करना, इसको लेकर उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट उसका मददगार बन सकता है, इसको लेकर नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं। यहां पे यूसीसी कमेटी के चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई और अन्य मेंबर्स हैं जिनके साथ एक घंटे से करीब बैठक चले। चर्चा ये है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी ड्राफ्ट है उसके अहम बिंदुओं को नेशनल लॉ में शामिल किया जाएगा और ये लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार देशव्यापी ये कानून लागू कर सकती है। इसके लिए उत्तराखंड का कानून मददगार बन सकता है, क्यों? उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट काफी दिनों से मंथन करके तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर कई कमेटी ने जो है वहां पे बैठके की उत्तराखंड में लोगों के सुझाव लिए, हर वर्ग के लोगों का सुझाव लिया, राजनीतिक दलों का भी सुझाव लिया, तो जितनी भी आपत्तियां थी वो वहां पे निस्तारण कर दी गई और यूसीसी ड्राफ्ट लगभग उत्तराखंड का लगभग बनकर तैयार है। और ये संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार सार्वजनिक मंच पे कह चुके हैं कि उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट देश के लिए नजीर बनेगा। ऐसे में प्रबल आशंका है कि जो देशव्यापी समान नागरिकता संहिता कानून बनेगा उसमें यूसीसी जो ड्राफ्ट है उत्तराखंड का वो मददगार साबित होगा और इसका आज इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी उत्तराखंड सदन पहुंचे और करीब एक घंटे से बैठक चल रही है, यूसीसी के जितने मेंबर्स हैं सभी मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर बाद जो यूसीसी की चेयरमैन हैं और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रही रंजना प्रकाश देसाई वो अभी मीडिया को भी संबोधित करेंगी कि ड्राफ्ट को लेकर अभी कमेटी किस स्तर पर पहुंची है और कितने दिन में उत्तराखंड सरकार को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। और वही नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी इस ड्राफ्ट से कौन से अहम मुद्दों पर बात करते हैं, कौन कौन से बिंदु उनको देशव्यापी जो कानून बनेगा समान नागरिक संहिता उसके लिए आवश्यक समझते हैं, ये अभी बात की बात होगी। लेकिन ये संदेश साफ है, ये मैसेज साफ है कि देशव्यापी कानून समान नागरिक संहिता का लागू हो सकता है क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मसलों में जताई है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इसको लेकर केंद्र सरकार कदम भी बढ़ा चुकी। पहले जो नेशनल लॉ कमीशन के जो कमेटी थी उस पे कुछ काम किया गया लेकिन वो कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई नेशनल लॉ कमीशन बनी है उसकी कमेटी है उसमें ऋतुराज अवस्थी चेयरमैन बनाए गए हैं, वो आज मुलाकात कर रहे हैं और करीब एक घंटे से ज्यादा वक्त लगभग बीत चुका है, उनकी चर्चा जारी है और कुछ देर में अभी मीडिया को यूसीसी कमेटी की चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई संबोधित करेंगे, इसके बाद कुछ स्थिति साफ हो सकेगी। समान नागरिक संहिता कानून की चर्चा आज ही नहीं हो रही है, कई सालों से होती आ रही है और इस पर चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात भी आई थी, पहले भी शायद लिया जा सकता था पर अब जोर शोर से जितना बीजेपी आगे लेकर आ रही है इस कानून को, क्या लगता है इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए सीएए कानून को लेकर जिस तरीके से देश भर में विरोध देखने को मिला था और काफी दिनों तक ये इस पे धरना प्रदर्शन जारी रहा था, इसको लेकर केंद्र सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, इसलिए उत्तराखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पे लागू किया जाएगा, उस कानून का रिस्पांस देखा जाएगा और केंद्र सरकार के अफसरों को ज्यादा मंथन भी नहीं करना होगा क्योंकि उत्तराखंड का कानून बेहद बारीकी से बनाया जा रहा है, उसमें 2 लाख से अधिक पब्लिक के सुझाव लिए गए, सामाजिक संस्थाओं के सुझाव लिए गए, हर वर्ग का सुझाव लिया गया, जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव लिया गया, ऐसे में जहां जो भी आपत्तियां थी उनका निस्तारण भी किया गया है और इसके बाद
केंद्र सरकार या उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट से अहम बिंदुओं को लेकर फाइनल कानून भी बना सकती है, यही विशेषज्ञों का मानना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने लव जिहाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी बेटियों को नहीं समझा पाते, उनको ज्ञान नहीं दे पाते, तब बेटियां लक्ष्मण को छोड़कर खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं। दुख भरे पन्ने हैं साथियों, मैं पलटना नहीं चाहता, आपको भी दुख होगा, मुझे भी वेदना होगी, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो दिल्ली में हुआ हम सब ने देखा, और उसके थोड़े दिनों पहले जो साक्षी के साथ अभी हुआ, इसके पहले जो श्रद्धा के साथ उसी दिल्ली में हुआ था, वो भी हमने देखा। हम क्यों अपनी बच्चियों को प्यार से बिठा के, वो बच्चियां जिनका इतना ख्याल रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो बच्चियां जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे क्यों इतनी सी बात नहीं कर पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, इतना ही तो कहना है कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आगरमालवा के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुगंता मजूमदार, धार्मिक यात्रा पर नलखेड़ा पहुंचे मां बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 13 सरकार विद्यालयों के कर्मचारी आरडीवीवी ने 3 से 5 जून के बीच आयोजित परीक्षाओं को किया स्थगित। बैतूल में दिव्यांग युवती को शादी के झांसा देकर यौन शोषण, दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था आरोपी, पीड़िता ने की पुलिस में शिकायत, आरोपी फरार। मोरना में घूरे पर कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, दोनों पक्षों की महिलाएं समेत 7 लोग घायल। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।